और जो भाई जैसी बात थी सच आपके सामने बता दी, तो 6 फुट में आपको ना ये चीज कमी आराम से खलने वाली है। छोटी छोटी चीजें जो कंजूसी सी लग रही है जहां पे क्या महिंद्रा कर रहा है, तो भाई बेस वेरिएंट दब के बिकेगा इनका, दब के। चला के जरूर देखना, एक तो टेस्ट ड्राइव जरूर लेना जो उनसी भी गाड़ी आप बुक कर रहे हो। सो गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, एंड होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज वीडियो शाम में बन रही है, और शाम में क्यों बन रही है, क्योंकि आज मैं पूरा दिन था बिजी, मैं गया था महिंद्रा के शोरूम गाड़ी देखने के लिए। तो यहाँ गोवा में एक ही शोरूम है, और उसमें भी क्या है भाई, कभी गाड़ी होती है कभी नहीं होती है, तो बड़ी मुश्किल से गाड़ी देखने को आज मिली है। तो मिल गई फाइनली, और जौन सा कलर में देखना चाह रहा था वही देखने को मिला है। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि भाई वाइट कलर में कैसी लग रही है, पीछे का रियर जो लुक है वो कैसा है, फ्रंट का कैसा लुक आ रहा है, वो सारी चीज़ें मैं चेक करके आया हूँ। और गाड़ी में एक एक छोटी छोटी चीज़ें सारी मैंने चेक करी हैं। वीडियो तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई वहाँ पे, क्योंकि वो क्या है शोरूम वालों के पेट में ना होल सी उठने लगती है कि यार पता नहीं क्यों वीडियो बना रहा है, क्यों बनाना चाह रहा है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, छोटी छोटी क्लिपें ले ली हैं कि भाई हाँ ठीक है, पता रहना चाहिए कैसी है गाड़ी, क्या है, कैसा देखने में लग रही है, तो वो आपको भी दिखाना जरूरी है थोड़ा बहुत। तो वो सारी चीज़ें आज मैं जो भी वहाँ पर देख के आया हूँ, क्या उसका निचोड़ है सारा, वो शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्या क्या कमियाँ हैं, क्या उसकी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें चेक करी हैं। तो एक एक चीज़ पर ना डिटेल में बात करेंगे कि भाई क्या क्या, कौन सी चीज़ मुझे कैसी लगी, कहाँ पर क्या कमी लगी, कहाँ पर क्या अच्छी चीज़ लगी। तो मैंने जो ये गाड़ी देखी है, ये देखी है डीजल इंजन इसका, 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन, और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में थी ये गाड़ी। तो भाई वैसे मैंने जल्दी उनसे बोला है कि भाई टेस्ट ड्राइव व्हीकल आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, टेस्ट ड्राइव भी मुझे लेके देखनी है गाड़ी की कैसी है। तो चलो शुरू करते हैं पहले वीडियो, और बात करते हैं गाड़ी के बारे में कैसी लग रही है भाई। तो सबसे पहले तो भाई फ्रंट की बात कर लेते हैं। गाड़ी का फ्रंट जो है बिल्कुल एकदम सिंपल लगा मुझे, ऊपर कोई भी ग्रिल वगैरह कुछ नहीं दी है, सिंपल ग्लोसी डिजाइन ऊपर बनाया गया है, और नीचे एयर डैम की जगह वहाँ पे एक आपको ग्रिल मिलेगी। बाकी ये जो है AX5 वेरिएंट है, और वो भी मैनुअल में है। तो जी पहले बात करते हैं सबसे पहले इसके भाई पिछले वाले जो लुक है उसकी, जो मुझे मतलब लग रहा था ना कि वाइट कलर में ये जो है कैसा लगने वाला है, तो बिल्कुल सेम वही लग रहा है भाई। जो रियर लुक है ना वाइट कलर में अगर आप ले रहे हो तो भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला, वो ब्लैक पोर्शन बहुत ही दूर से दिख रहा है बम्पर वाला, और उसके ऊपर वाला एकदम वो वाइट आ रहा है, तो बड़ा अजीब सा थोड़ा सा वो कॉम्बिनेशन लग रहा है। वो जो इतना ऊंचा बम्पर बनाया ना उसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए था इन्हें, एक तो ये कमी मुझे लग रही है इसकी। बात करते हैं बूट स्पेस की भाई, बूट स्पेस गाड़ी में 295 लीटर का है, और वैसे वो 364 लिख के दे रहे हैं वो, लेकिन छत तक लिख के दे रहे हैं। छत तक भाई साहब कोई नहीं भरता अपनी गाड़ी को, जो भी होता है वो ट्रे तक ही रखते हैं, और ट्रे भी गाड़ी में नहीं है, AX5 वेरिएंट में भी ट्रे नहीं है भाई साहब, ये टॉप लेवल वाले वेरिएंट है। तो ये मुझे कुछ छोटी छोटी कमियां हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें जो कंजूसी सी लग रही है जहाँ पे क्या महिंद्रा कर रहा है। अच्छी चीज़ बताऊँ तो भाई गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत मस्त मिलने वाली है आपको। बोनट मैंने इसका उठा के देखा ना, लाजवाब है, बहुत भारी बोनट है, और पीछे से बूट स्पेस जब खोला था तो वो भी काफ़ी जो है इसका भारी है। तो बिल्ड क्वालिटी में तो खैर कोई मार नहीं खाने वाली, जैसी पहली बिल्ड क्वालिटी थी उसी की बिल्कुल लेवल की गाड़ी है, जो XUV300O की बिल्ड क्वालिटी थी वही मिलने वाली है आपको इसमें। साइड प्रोफाइल तो सबको पता है बिल्कुल सेम है, बस आगे और पीछे से थोड़ा थोड़ा इन्होंने डिजाइन में चेंज किया, कनेक्टिंग टेल लाइट दे दी, ये सारी चीज़ें दे दी हैं, जो मतलब ठीक लग रहा है, ठीक ठाक आप बोलोगे, बहुत इम्प्रेसिव नहीं बोलोगे और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोल सकते। अगर गाड़ी की फिट एंड फिनिशिंग की बात करूं, जैसे वाइट कलर में मैंने देखी और पीछे मतलब सारे में गैप वगैरह ऐसा मुझे कोई नहीं नज़र आया, फिट एंड फिनिशिंग मुझे गाड़ी की ओके लगी है, ठीक ठाक लगी सकता है, या फिर एक दो प्रोडक्ट ऐसे आ जाते हैं जिसमें क्या थोड़ी बहुत कमी रहती है, और ये महिंद्रा के साथ टाटा के साथ ये चलता रहता है भाई। तो इसमें तो मुझे नहीं लगी, इसमें तो ये तो मुझे बिल्कुल ओके लगी फिट एंड फिनिशिंग इसकी, अगर हम चारों तरफ से चेक करते हैं गाड़ी की। तो अब एक जो अच्छी चीज़ है भाई इस गाड़ी में, चारों डिस्क ब्रेक इन्होंने जो है बेस वेरिएंट से दे दिए, 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से दे दिए, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, और मतलब सेफ्टी पर काफ़ी ध्यान रखा गया है, और ये चीज़ मुझे बढ़िया लगी गाड़ी की। और
जो पेट्रोल में जो आपको मिलने वाला है टॉर्क कन्वर्टर मिलने वाला है, ऑल्दो मैंने ये पेट्रोल नहीं देखी। अब बात करते हैं गाड़ी की हाइप की, जो भाई जो हाइप बनाई थी इन्होंने, हाइप किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इस गाड़ी की बनी है, वो बनी थी भाई स्काई सनरूफ की, तो वो आपको AX5 में भी नहीं मिलने वाली, वो दे रहे हैं बिल्कुल टॉप मॉडल पे AX7 और AX7 लग्जरी में। तो ये एक थोड़ी सी कमी लगी, ये एटलीस्ट इन्हें देना चाहिए था AX5 से या फिर AX5 लग्जरी से, ये वाली स्काई सनरूफ इनको थोड़ा सा नीचे से देनी चाहिए थी, क्योंकि उसी की बदौलत इन्होंने जो है गाड़ी की हाइप बनाई थी। एक एडास भी ये केवल लग्जरी में ही दे रहे हैं, 360 व्यू कैमरा भी केवल लग्जरी वेरिएंट में ही दे रहे हैं, AX5 के भी लग्जरी में मिल जाएगा और AX7 के भी लग्जरी में मिलेगा, लेकिन AX7 में नहीं दे रहे, तो AX7 में इन्हें एडास या वो ऐड कर देना चाहिए था जरूर। ये चीज़ मुझे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे भी ये कमियाँ लगी। अब एक और प्रॉब्लम मुझे लगी है भाई, मुझे ये हेड स्पेस का प्रॉब्लम थोड़ा सा लगा, रियर सीट पे बैठ के भी मुझे हेड स्पेस थोड़ा सा कम लगा, और अगर मैं ड्राइवर सीट पे बैठ रहा हूँ तो वहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा हेड स्पेस कम लगा। थोड़ा इन्होंने गाड़ी की क्या है हाइट बढ़ाई है और गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ाई है, तो इन्होंने लगभग 20 mm ग्राउंड क्लियरेंस ऊपर की है गाड़ी की, बढ़ाई है, और हाइट भी इन्होंने 20 mm के आसपास ऊपर कर दी है पहले के मुकाबले जो XUV 3XO थी। तो भाई ये उसका हो सकता है थोड़ा रीजन, और जो ये हाइट ले रहे हैं वो रूफ रेल को नाप के ले रहे हैं, तो थोड़ा सा इन्होंने जो केबिन हो सकता है नीचे रखा हो और रूफ रेल के साथ इन्होंने हाइट नाप ली हो, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है 2-4 mm का फर्क हुआ है, पर उससे भी ना काफ़ी फर्क पड़ जाता है आपका। तो अगर आपकी हाइट है 6 फुट, तो 6 फुट में आपको ना ये चीज़ कमी आराम से खलने वाली है, मेरी 5'9" है, बट मुझे हल्का सा लगा तो मैंने वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे शेयर कर दी है, ये कोई आपको और नहीं बताएगा, बहुत कम लोग आपको ये चीज़ें बताएंगे। अब जैसे इन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाई है, तो थोड़ा सा ना पहले इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी खास बात थी ये थी इसके ड्राइविंग जो कम्फर्ट था वो बहुत अच्छा था, ड्राइविंग डायनेमिक बहुत अच्छे थे इसके, मतलब कितनी स्पीड पर आप भगाओ, और बॉडी रोल बिल्कुल नहीं था, बट अभी चला के इसको पता चलेगा भाई हो सकता है इसमें बॉडी रोल अब थोड़ा सा फील हो, क्योंकि गाड़ी की हाइट बड़ी है तो उस वजह से ये चीज़ें जो होती है। तो ये चलाने के बाद चेक करके बताऊंगा, जब भी इसका ड्राइव रिव्यू आएगा तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है शेयर करूंगा मैं कि भाई कैसा है ड्राइव रिव्यू गाड़ी का। बाकी एक और है, अगर आपको डीजल ले रहे हो तो डीजल में भाई आप मैनुअल पे ज़्यादा फोकस करना, AMT पे जाओगे तो AMT में आपको थोड़ा बहुत लैग आएगा, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको इस गाड़ी में फील होंगी। और पेट्रोल में टॉर्क कन्वर्टर दिया है तो वो अच्छी चीज़ भी कर दी उधर, एक तरफ थोड़ा सा कम कर दिया एक तरफ बढ़ा दिया, भाई पेट्रोल पे जा रहे हो तो अगर उसके ऑटोमेटिक पे आप जा रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है आपको। बाकी जी ओवरऑल बात करूँ अगर लुक की तो ओके है, गुड बोल देंगे हम, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, बहुत ख़राब भी नहीं बोल सकते, ठीक है। पर जितनी हाइप बनी हुई थी गाड़ी की, जैसे कि बहुत ये था कि बिल्कुल एकदम डिफरेंट होगी, ये चीज़ अलग होगी, वो चीज़ अलग होगी, तो भाई इस वेरिएंट को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर इंटीरियर की बात करूँ गाड़ी के, तो भाई इंटीरियर ठीक है, आप ये AX5 पे जा रहे हो तो चमक दमक उसमें ज़्यादा हो गई है, उसमें जैसे ही आप चाबी ऑन करते हो तो लाइटें वाइटें इतना तामझाम उसमें जो है स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब आप उसके नीचे वाले वेरिएंट पे जाओगे तो उसमें आपको वो उतनी चमक दमक नहीं दिखेगी, बिल्कुल सिंपल सा इंटीरियर आपको मिलने वाला है। इससे ज़्यादा जो बेटर इंटीरियर है वो नेक्सन का है, बट ठीक है फिर भी हम ओके बोलेंगे इसको, अभी नया प्रोडक्ट है, बाकी चलने के बाद पता चलेगा। और थोड़ा सा जब ये अपग्रेड करते हैं ना, ये जैसे डिजिटल क्लस्टर मीटर दे दिया, ये इतने तामझाम आते हैं, तो भाई उनमें प्रॉब्लम आने के भी जो है चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। ये कई बार और महिंद्रा वालों का ये रिकॉर्ड रहता है, वो जब प्रॉब्लम्स आती है ना तो कस्टमर के सर पर डाल देते हैं, बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो इंटीरियर मुझे ओके लगा है, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं बोलूँगा, ओके इंटीरियर लग रहा है बस। तो अब जो बेस वेरिएंट लेने के लिए सोच रहे हैं ना, तो वो आराम से भाई ये ध्यान में रखना कि भाई बहुत ज़्यादा आपको जो है इंटीरियर पे ध्यान नहीं देना है, आपको गाड़ी लेनी है, अगर इसी गाड़ी पे आपको जाना है तो आराम से आप बेस वेरिएंट पे जा सकते हो, अगर आपको इस प्राइस में मिल रहा है तो भाई सोने पर सुहागा है आपके लिए, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम रखा है। लेकिन टॉप वेरिएंट का प्राइस अगर हम देखें तो पोचा भी बहुत ऊपर दिया है उन्होंने, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है, जो बेस वेरिएंट का प्राइस है उसका डबल हो गया है टॉप वेरिएंट का प्राइस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को सबको पता ही चलती हैं, लेकिन हमें बताना जरूरी है। तो बेस वेरिएंट आप आराम से ले सकते हो भाई, और बेस वेरिएंट में आप छोटे मोटे जो काम है वो करा के आराम से उसको चलाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पर हाँ वेटिंग आपको बेस वेरिएंट पे जरूर मिलेगी भाई। बेस वेरिएंट पे आपको जो है इसके वेटिंग अच्छी लंबी मिलने वाली है। बाकी पहले से भी रिकॉर्ड रहा है महिंद्रा का कि भाई बेस वेरिएंट वो जल्दी से जो है देते नहीं है, वो पहले टॉप वेरिएंट निकालते हैं उसके बाद में फिर बेस पाते हैं। तो ये अगर ऐसा कुछ रहा और साल भर या छः महीने या साल भर के बीच में इन्होंने जो है प्राइस बढ़ाया तो फिर दिक्कत होगी। अगर प्राइस नहीं बढ़ाते साल भर तक तो भाई बेस वेरिएंट दब के बिकेगा इनका, दब के। सो जी ये कुछ गाड़ी का पोस्टमार्टम सा किया हमने, देख के आया पूरा आराम से तसल्ली से। तो जी जो भी सच था भी सारा सामने रख दिया आपके, गाड़ी कैसी लगी, क्या कमियां लगी, क्या नहीं लगी, वो सारा कुछ आपके सामने बता दिया। छोटी मोटी जो कमियां हैं वो है और वो रहेंगी। बूट स्पेस की कमी है तो है भाई, वो पहली में भी थी इसमें भी है। कभी इसमें आप ये सोचो कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, नहीं बढ़ाया, वो बूट स्पेस नीचे ट्रे से नीचे ही नीचे सामान रखते हैं तो उतना ही है। तो जो भी कुछ था ये आपके सामने मैंने यहाँ पे रखा। और बाकी जब आप गाड़ी में बैठोगे ना तो गाड़ी चला के जरूर देखना, एक तो टेस्ट ड्राइव जरूर लेना जो सी भी गाड़ी आप बुक कर रहे हो और जौन सा भी वेरिएंट बुक कर रहे हो, और उसी की करना। कभी आपको TGDI की टेस्ट ड्राइव दे दें पेट्रोल में और आपको गाड़ी लेनी है बेस वेरिएंट, तो ऐसा ना हो कि भाई दूसरे इंजन की टेस्ट ड्राइव ले लो, वही इंजन चला के देखना जौन सा आपका लेने का मन है। बाकी जैसे टेस्ट ड्राइव रिव्यू आएगा तो उसका वेट करना आप, अगर उसका भी मैं पूरा एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि भाई क्या है, कैसा है, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या ख़राब है, बॉडी रोल वगैरह क्या है, सारा कुछ एक डिटेल वीडियो उसका भी बनाएंगे। एंड उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।